बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की लखनऊ में हुई बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बात कही कि पार्टी में युवाओं और महिलाओं को अभी फिर से एक बार से जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी पर अमल करते हुए बहुजन समाज पार्टी की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार महिला नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें आपको पूजा अमरोही डॉक्टर बहुजन समाज पार्टी की ओर से लोकसभा आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाले इंदु चौधरी, और अब बड़ी खबर निकल कर आई जहां पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से लता वाल्मीकि, जो पर आगरा की पूर्व है महापौर प्रत्याशी भी बहुजन समाज पार्टी की ओर रह चुके, उनको जिम्मेदारी दी गई। आपको चले तो डॉक्टर लता वाल्मीकि को बहुजन समाज पार्टी की ओर से आगरा मंडल का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया, यानी कि पिछले कई दिनों से बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार उत्तर प्रदेश में तीन महिला नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर आपको चले बहुजन समाज पार्टी की ओर से अन्य कई नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई, जहां पर महिला नेताओं की लगातार भागीदारी बहुजन समाज पार्टी की ओर से उत्तर में सक्रियता करते हुए नजर आई। बहुजन समाज पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी वो थी डॉक्टर इंदु चौधरी को लेकर, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश है। और आगरा से बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूजा अमरोही को यहां पर टिकट देकर मैदान में उतारा था, उनको भी आपको बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की ओर से जिम्मेदारी दे दी गई है। वही आपको चले तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से महापौर की प्रत्याशी रही डॉक्टर लता वाल्मीकि को भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारने के बाद अब एक बार फिर से पार्टी में जिम्मेदारी दे दी गई है। मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेटों के साथ, तब तक लेते हैं विदा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।